नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं अक्षय नवमी, आंवला नवमी पर। इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि मंगलवार 5 नवंबर को है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण, अन्न आदि का दान अक्षय प्राप्त होता है, अक्षय हो जाता है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं और भक्तिभाव से इस पावन पर्व को मनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन आंवला पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, इन सबका भोग लगाया जाता है और कई धर्म प्रेमी तो आंवला पूजन के बाद आंवले के पेड़ की छांव में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और इस दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प चंदन से पूजा करती हैं, पीला धागा लपेटती हैं और वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है? आंवला नवमी पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करें। कपूर व घी के दीपक से आरती करके प्रदक्षिणा करें। आंवला वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान्न आदि का भोग लगाना चाहिए। आंवला के वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा भेंट स्वरूप देनी चाहिए और खुद भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भी भोजन करें। इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। वैसे तो पूर्व दिशा में बड़े वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए, किंतु आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे घर की उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। जिस बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो तथा पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उनकी पुस्तक में आंवले के जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को रखना चाहिए। अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त शीत में, क्योंकि ठंड चालू हो जाती है, तो वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कम्बल इत्यादि भी गरीबों को, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो आप इस तरह से आंवला नवमी, अक्षय नवमी पे पावन इस कार्य को करें तो इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा होती है और जो भी कुछ इस दिन करते हैं वो अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो मित्रों, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।